इजराइल के समर्थन में उतरी हिंदू धर्म रक्षा समिति, हमास का किया पुतला दहन, आतंकवाद के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। आपको बता दें, इजराइल और हमास जंग का असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। दुनिया भर के कई देशों में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं सुपौल जिले के बीरपुर में हिंदू धर्म रक्षा समिति के बैनर तले इजराइल के समर्थन और हमास के विरोध में पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम में उपस्थित हिंदू धर्म रक्षा समिति के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह ने कहा कि जिहादी आतंकवाद हमास के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाकर इजराइल के समर्थन में नारेबाजी की गई। साथ ही उन्होंने आतंकवाद की निंदा करते हुए हमास आतंकियों के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया और उन्होंने कहा कि जिहादी आतंकी हमास बीते दिनों इजराइल पर हमला कर निर्दोष लोगों को मारने का घृणित कार्य किया है। हमास के क्रूर आतंकी फिलिस्तीन के समर्थन में निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते एक महीने से इजराइल और हमास के बीच भीषण युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही बता दें कि बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास आतंकियों के अचानक हमले में 1400 से अधिक लोगों की मौत एवं 200 लोगों को अगवा किया गया था। वहीं इजराइल ने भी हमास के इस हमले का करारा जवाब दिया है। इजरायली वायुसेना लगातार फिलिस्तीन और गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर हमला कर रही है। 8 अक्टूबर तक कई मस्जिदों समेत कई ऐसे ठिकाने गिराए जा चुके हैं जहां आतंकी शरण ले रहे थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के शुरू होने से पहले ही कहा था कि इस बार गाजा पर हमला ऐसा होगा जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थितियां बदल देगा। हमास के हमले के कारण गाजा और फिलिस्तीन में बड़े स्तर पर तबाही हुई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हमास के आतंकियों को शरण देने के कारण अब तक 1.2 लाख फिलिस्तीनी अपने घरों से भाग चुके हैं। मामला तो पूरे विश्व के लिए बहुत ही गंभीर है। ये आतंकवाद का एक मामला, वैश्विक मामला है जिसपे सभी देशों को एक साथ बैठ के सोचना चाहिए। और आज हम लोग इजराइल के समर्थन में यहाँ पे प्रदर्शन किए हैं, हमास के खिलाफ उनका पुतला दहन किए हैं। तो ये हमास जो इजराइल के साथ वहाँ के मासूम जनता के साथ जो बर्बरता की है वो किसी भी एंगल से क्षम्य नहीं है, वो क्षमा लायक कृत्य ही ये लोग नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग इजराइल के सपोर्ट में हैं और ज़रूरत पड़ी तो पहले भी हमारे पूर्वज इजराइल की तरफ से लड़े थे और आज भी हम तैयार हैं इजराइल के तरफ से लड़ने के लिए। लेकिन देखा गया कि बिहार के बहुत से हिस्सों में हमास के समर्थन में रैली निकाली गई, इसको कैसे देखते हैं? जी, ये सब भी हिंदुस्तान के लोगों के लिए सोचनीय विषय है कि आतंकवादी के समर्थन करने के लिए जिस तरीके से लोग यहाँ बाहर निकलते हैं, तो यहाँ के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को सोचना है कि हमारे भविष्य में कल होके अगर कोई मुस्लिम राष्ट्र अगर हिंदुस्तान पे हमला करता है तो आज जो हमास के समर्थक है वो किसके तरफ से रहेंगे और किसके तरफ लड़ेंगे, ये सोचनीय विषय है और हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को ये सोचना चाहिए। जी, अभय कुमार सिंह, राष्ट्रीय महासचिव हिंदू धर्म रक्षा समिति। ये मामला हमास का ही नहीं है, पूरी दुनिया में 147 आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी को पोषने वाला और उसका समर्थन करने वाला सभी आतंकवादी और जिहादी हैं। इजराइल में जो हमास एक संगठन, वहाँ के निरीह निर्दोष बच्चे बूढ़े औरतों के साथ जो गड़बड़ किया है उसके खिलाफ आज जो इजराइल का संकल्प है कि मैं आतंकवाद को जड़ मूल से समाप्त कर दूंगा, तो हम सभी इजराइल के समर्थन में हैं और हम लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया से, चाहे वह अच्छा आतंकवादी हो या बुरा आतंकवादी हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो सारे के सारे आतंकवादी को, आतंकवादी का खात्मा होना जरूरी है। अन्यथा आने वाले कुछ दिनों में ये पूरी दुनिया की मानव सभ्यता, मानव जाति का विनाश का कारण बनेगा। और आज जो
हमास के समर्थन में लोग जगह जगह आ रहे हैं, वे नादान हैं, वे देशद्रोही हैं, उनका भी हिसाब किताब होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।